नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशांत वत्स। अब समय हो चला है दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर रुख करते आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने इस साल भी एक बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली आने वाली दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ सकेगी। सरकार ने पटाखों के उत्पाद, भंडार, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप नेता गोपाल राय ने बताया है कि जनवरी 2025 तक पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया है कि प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार और भी प्लान बना रही है। अगली खबर की ओर रुककर आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नाबालिग से दरिंदगी का शर्मनाक मामला सामने आया है। ताजा मामला रोहाना थाना क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी की गई है। चार बच्चों के पिता ने नाबालिग के घर में घुसकर चाकू दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं दर्द से चिल्लाने पर आरोपी ने उसके ऊपर पैसे फेंके और फरार हो गया। तीसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, आपको बता दें मोतीनगर थाना पुलिस ने एक स्कूटी चोर को गिरफ्तार कर लिया है। वह इलेक्ट्रिक स्कूटी चोरी कर जा रहा था, इस दौरान रास्ते में बैटरी खत्म हो गई। इसके बाद युवक धक्का मारकर स्कूटी ले जा रहा था, इतने में ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। आरोपी के पास से दो स्कूटी, मोबाइल फोन बरामद किया गया है। वह पहले भी कई मामलों में शामिल रहा है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं, आपको बता दें पांडव नगर फ्लाईओवर अगले 7 दिन तक बंद रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस ने रविवार शाम को बताया था कि मरम्मत के काम चलने की वजह से फ्लाईओवर को 1 सप्ताह के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। और आखिरी खबर की ओर रुख करते हैं, आपको बता दें उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत हलचल तेज हो गई है। इस क्रम में गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले भाजपा ने सदस्यता अभियान शुरू किया है। पार्टी का लक्ष्य 7.5 लोगों को भाजपा का सदस्यता दिलाना है। वहीं भाजपा विपक्ष के नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश भी कर रही है। ऐसी दिल्ली एनसीआर की ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल पब्लिक एशिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।